एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल राजस्थान के नवनियुक्त चेयरमैन सुमंत सिंह जागावत ने कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के वाइस चेयरमैन प्रदीप मिश्रा, डिप्टी वाइस चेयरमैन मनोज अग्रवाल, अमित उपाध्याय और हरियाणा के चेयरमैन सुनील वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने जागावत को पदभार सौंपते हुए इस मौके पर जागावत ने कहा कि पूरे राजस्थान में काउंसिल को स्थापित करेंगे, गांव और ढाणी तक पहुंचकर कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, आम लोगों की मदद भी की जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर उद्योग से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य होगा। हर हाथ हर घर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो एमएसएमई द्वारा संचालित हो रही हैं या अपितु उससे संबंधित विभागों द्वारा संचालित हो रही हैं, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया ऐसे कार्यक्रमों को गांव-गांव, क्षेत्र क्षेत्र, प्रदेश प्रदेश जाके अपितु आज हम लोग लगभग 22 प्रदेशों में अपने आप को जाकर एस्टेब्लिश करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए प्रचार प्रसार का काम। आज हर व्यक्ति को डर रहता है, जैसे बैंक में वो जाएगा तो बैंक में बैंक कर्मचारी लोन करेगा नहीं करेगा, उसको परेशान करेगा, घुमाएगा चारों तरफ। इसलिए उन लोगों को प्रॉपर तरीके से जो हमारी कमेटी में सीईओ होंगे वो पहल पूरी तरीके से उनकी तैयार करेंगे, तैयार करके हम डिपार्टमेंट में देंगे। अगर वो कहीं उसको किसी कारण से रोकते हैं तो हम उनका सेमिनार में एमएसएमई डिपार्टमेंट भी होगा, बैंकर्स भी होंगे और हम लोग भी होंगे, और जो लोन लेने वाला व्यक्ति होगा वो